आज हम बनाएंगे दलिया पुलाव। इसे आप सुबह के नाश्ते में या फिर शाम को जब हल्की फुल्की भूख लगती है ना, तब इसे आप बना के खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी और पौष्टिक होता है। तो चलिए आज हम दलिया पुलाव बनाएंगे, बहुत ही जल्दी बना के तैयार कर लेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे किचन में। तो चलिए हम दलिया पुलाव बना लेते हैं। दलिया पुलाव बनाने के लिए यहाँ मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी है और इसके बाद इसमें हम दलिया लेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप से थोड़ा कम लिया है, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। तो इसको इसी तरीके से हम चलाते हुए अच्छे से भुनेंगे, जब तक इसका अच्छे से कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक। आप चाहे तो इसे घी या तेल में रोस्ट कर सकते हैं। तो एक बार हम इसे भून लेते हैं। तो यहाँ 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये दलिया हमारा अच्छे से भुन गया है। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। दलिया को निकाल लिया है और इसी कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 2 चम्मच तेल और 1 चम्मच लूंगी मैं यहाँ घी। अच्छे से मेल्ट होने देंगे। आप चाहे तो इसे घी में बना सकते हैं या फिर तेल में। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है और इसमें लेंगे हम सब्जियाँ। तो 1 शिमला मिर्च ली है मैंने, इस तरीके से काट लिया, इसको ले लेंगे। 1 फूल गोभी है, इसको भी इसी तरीके से काट लिया है। आधा कप है मटर और आधा कप है गाजर। सब्जियाँ आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, मतलब आपको जो भी पसंद है वो ले सकते हैं, या फिर नहीं पसंद है तो इसे हटा भी सकते हैं। अच्छे से मिला लेते हैं एक बार। साथ ही जाएगी इसमें 2 हरी मिर्च काटी हुई, आप चाहे तो इसे डाल सकते हैं। तीखा खाना पसंद है तो और ज़्यादा ले सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। 1 चम्मच यहाँ ले रही हूँ मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छे से मिलाएंगे और 2 मिनट इसे हम भुनेंगे। यहाँ मैंने सब्जियों को 2 मिनट भून लिया, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है वरना सब्जी हमारी ओवर कुक हो जाएगी, क्योंकि ये तेल के साथ और पकेगी। तो यहाँ मैं 1 चम्मच चिली फ्लेक्स ले रही हूँ और स्वाद के अनुसार नमक लेंगे। तो मैं इन्हीं मसालों में बना रही हूँ, आप चाहे तो और भी मसाले ले सकते हैं जो आपको खाना पसंद है। तो इन्हीं मसालों में ये काफ़ी टेस्टी बन के तैयार होता है। अच्छे से मिला लेते हैं। साथ ही इसमें जाएगा दलिया और पानी। तो यहाँ हमने जो भून के रखा है वो दलिया ले लेंगे और पानी मैंने गर्म करके रखा है, तो वो मैं यहाँ टोटल 2.5 कप पानी लेने वाली हूँ। 1 कप दलिया लिया है ना, तो इसमें 2.5 कप पानी लेंगे। आप और पतला खाना चाहते हो तो 3 कप पानी ले सकते हैं। अच्छे से मिलाएंगे। ये प्रोसेस आप कुकर में भी कर सकते हैं। अगर आप कुकर में कर रहे हैं तो 2 कप पानी में ये दलिया बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन यहाँ मैं कढ़ाई में बना रही हूँ तो आधा कप पानी में और ले रही हूँ। और इसे अच्छे से मिलाएंगे और ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद वापस से हम देखेंगे कि ये हमारा दलिया अच्छे से फूल गया है, जो पानी था ना वो काफ़ी कम हो गया है। तो अब हम इसमें मिलाएंगे टमाटर। टमाटर को मैं बाद में इसलिए मिला रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा नहीं पक जाए, बस हल्का सा पकना चाहिए। तो इसको मैं मिला लेती हूँ और 1 मिनट के लिए ढक के और पकाऊंगी। तो यहाँ 1 मिनट हो गई है और लो फ्लेम पे इसे मैंने पकाया है। अच्छे से मिला देते हैं। ये काफ़ी अच्छे से पक गई सारी सब्जियाँ। ज़्यादा हम चलाएंगे ना तो सब्जियाँ टूटने लग जाएगी। तो अब हम इसमें मिलाएंगे हरा धनिया, और आप चाहे तो इसे कुकर में पका रहे ना तो इसमें 2 सीटी ले लें और ये काफ़ी अच्छे से पक जाएगा। तो हरा धनिया मिलाएंगे। आराम से इसको मिला लेते हैं। इसके बाद गैस बंद करेंगे और 2 मिनट के लिए इसे हम ठंडा होने देंगे। इसके बाद मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाऊंगी। तो यहाँ 2 मिनट हो गए हैं और दलिया थोड़ा सा ठंडा हो गया है। तो ये देखिए, आप हल्का सा जो पानी था ना दलिया में वो काफ़ी सूख गया है और काफ़ी टेस्टी बन के हमारा दलिया तैयार हुआ है। बहुत ही कम मसालों में और सब्जियों से भरा हुआ ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी दलिया पुलाव बन के बिल्कुल तैयार है। और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, इसे क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
तो बनाइए इस दलिया पुलाव को और मुझे ज़रूर बताइए कि आपका दलिया कैसा।